लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये लीजिए। अबे रेलवे का पास नहीं, अंदर अरे मेरे पास यही पास है। जो, जो, अरे धक्का तुम आता है, जाता हूँ ना। नौकरी कहाँ करते हो तुम? इसमें ये क्या? पुलिस में। तो तुमको मालूम नहीं कल मीटिंग के आखिर में कमिश्नर साहब ने क्या कहा था? नहीं, मैं लेट आया था ना। आखिर में भी लेट आया था, क्या करूँ, आदमी क्या है। कमिश्नर साहब ने कहा था आज बद्रीनारायण जी आके ना मूर्ति का उद्घाटन करने वाले हैं। अच्छा अच्छा, तो रविशंकर ने उनको धमकी दी कि वो उनका वहीं खून कर देगा। अरे बाप रे। ए लबेड़कर, क्या बातचीत चल रही है? ये बोलता कि हमको नहीं आना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा था ड्यूटी पे आना चाहिए था। वो देखो बद्रीनारायण जी आ गए। साल से सर्विस कर रहे हैं ये साहब, लेकिन वही के वही हैं। 55 खूनियों की शिनाख्त की है इन्होंने, लेकिन उनमें से एक को भी गिरफ्तार नहीं किया। और आप डायरेक्ट डीसी अपॉइंट हुए थे और लगता है डीसी की हैसियत से ही रिटायर हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। 300 उग्रवादी 4 साल से दहशत का नंगा नाच नाच रहे हैं और हम उन्हें छू तक नहीं सके। सिर्फ 300 आदमी, 300 बस, चाकू दिखाकर डराने वाले और जेब कतरों को पकड़ने के काबिल रह गई हमारी पुलिस, ये कहकर आम आदमी हमारा मजाक उड़ा रहा है, इस बात का इल्म है आप लोगों को? यही नहीं सर, लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पुलिस हजामत की दुकान खोलने के भी लायक नहीं है। शराब, मैं उस शेर से उसकी गुफा में जाकर मिलूंगा, उन खतरनाक उग्रवादियों को जंगल के चप्पे चप्पे से ढूंढ निकालूंगा और आने वाले 48 घंटे में इस सरजमीन से उनका वजूद ही मिटा दूंगा। मैं कल तुम लोगों का वजूद मिटाने आने वाला था और तुम आज अपनी मौत का निमंत्रण लेकर मुझे बुलाने निकले। निमंत्रण पत्र तो मैं तुम्हारे घर छोड़ आया हूँ कमिश्नर, कुछ ही मिनटों में धमाका होगा और तुम्हारा घर हवा में राख की तरह उड़ जाएगा। शांति, मुबारक हो कमिश्नर साहब, अब आपकी बीवी और बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं।
शुक्रिया नर्स। शुक्रिया मेरा नहीं, डॉक्टर नैना का अदा कीजिए जिन्होंने इतने पेचीदा ऑपरेशन को कामयाब कर दिखाया। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर, आज तक मैंने भगवान को नहीं माना क्योंकि मैं साइंस जानता हूं। मैं किसी इंसान से कोई उम्मीद नहीं रखता इसलिए कि साइकोलॉजी मुझे मालूम है, मगर आज मैंने दोनों पर विश्वास कर लिया। मैंने इंसान का रूप धारण किए एक देवी को देखा है आपके अंदर, जिसने ना सिर्फ मेरे बच्चे को बचाया बल्कि मेरी पत्नी को भी नई जिंदगी दी। इतने बड़े एहसान के बदले आप जो कुछ मुझसे मांगेंगे डॉक्टर, मैं देने के लिए तैयार हूँ। कहिए डॉक्टर, क्या चाहिए आपको? आप जज्बात की रौ में आकर जोश में ये बात कह रहे हैं, ठीक तरह से सोचकर जवाब दीजिए। मैं आपसे जो मांगू आप दे सकते हैं? एक पुलिस कमिश्नर क्या दे सकता है, ये सोच रही हैं आप? आपको नहीं मालूम डॉक्टर, मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ और जो करना है उसे मर के भी निभाता हूँ। अगर आपको मेरी पूरी जायदाद भी चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ डॉक्टर। मुझे आपकी जायदाद नहीं, मेरी जायदाद चाहिए। एक जान चाहिए, उसे हर खतरे से बचाकर मेरे हवाले कर दीजिए। बस इतनी सी बात? वो कौन है मुझे बताइए, वो जहाँ है जिस हाल में है, खतरे की बात क्या? उसे मौत के मुंह से निकाल कर सही सलामत आपके हवाले कर दूंगा। डॉक्टर, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है, ये वैशी है, दरिंदा है, इसने ना जाने कितने लोगों का खून बहाया है, ये मुजरिम है डॉक्टर, कानून को इसकी तलाश है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो मुजरिम है या बेगुनाह, आप उसे सजा मत दीजिए ये भी नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप उसे अपनी गोली का निशाना बनाकर उसकी जान नहीं लेंगे। कमिश्नर साहब, इस दुनिया ने उसके दिल पर बड़े करारे जख्म लगाए हैं, उस पर बेइंतहा जुल्म ढाए हैं, उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और वो एक मासूम परिंदे से खतरनाक दरिंदा बन गया। आप उसे मिलकर उससे बात कीजिए, उसकी कहानी सुनिए। लोगों ने आपको आपकी हिम्मत और बहादुरी के लिए फौलादी इंसान का खिताब दिया है, मगर हकीकत जानने के बाद आपका फौलादी दिल पिघलकर मोम बन जाएगा। ये आंखें जिन्होंने आंसुओं का नाम भी नहीं सुना, इन आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ेगी। कमिश्नर साहब, आपने कहा था कि मैं जो मांगूंगी आप देंगे, इसीलिए मैंने मांगा, अब आप पर है। रामायण में जो वचन निभाया गया था, अगर उस तरह का वचन आपने भी निभाया तो आप राम कहलाएंगे, मगर वादे से मुकर गए तो आप महाभारत के दुर्योधन बनकर रह जाएंगे। फैसला आप पर है। खैरिये डॉक्टर, आपने मेरे बीवी और बच्चे को बचाकर मुझ पर एहसान जरूर किया है, लेकिन आज रविशंकर ताजा खून पीने वाले आदमखोर शेर की तरह है और मैं उस खतरनाक दरिंदे का शिकार करने की हसरत और तड़प लेकर इस शहर में आया हूँ। सिर्फ तस्वीर सलामत रहेगी या जिसकी तस्वीर है वो भी सलामत रहेगा, आपका जवाब नहीं मिला। डॉक्टर, मैंने महाभारत भी पढ़ा है लेकिन मुझे रामायण ही पसंद है। अभी तो हाथ में जान है, तौबा कितना कम है। क्या सेठ, हाँ उदास नहीं हो ना, अभी दो चार दिन में वापस आता हूँ। हाँ चलता हूँ। हवलदार जी, अपन बाहर आ गया, आ जा। अरे ये कैसी कैसी आवाजें निकाल रहे हो, जैसे पेट में 10-15 शेर घूम रहे हो। पेट में शेर नहीं घूम रहे हैं, बल्कि जेल से कूदकर सड़क पे घूम रहे हैं। अरे ये कैसी उठपटांग बातें कर रहे हो? उठ पटांग बातें नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरी टांग कटने का टाइम आ गया है। क्या क्या बोल रहे हो? शाका जेल से कूद के बाहर आ गया है। क्या? इधर याद है, उधर वो आ गया। कांस्टेबल नाकेदार। ओ हवलदार। हवलदार नाकेदार अपने रिश्तेदार के घर में नहीं है। ये आवाज कहाँ से निकल रही है नाकेदार? ये पुरानी आवाज है जो दीवारों से टकरा के अंदर ही अंदर घूम रही है। नई आवाज मैं हाथ डालकर बाहर निकाल लेता हूँ। मैं देखती हूँ। अरे तू क्या करती है यार,
भगवान बचाना, हाँ बचाना। वो कहाँ है नाकेदार? आप मुझसे बात कीजिए ना, मैं नाकेदार नहीं हूँ। नमस्कार। नमस्ते। जी मैं नैना के बारे में पूछने आया था, कैसी है वो? वो अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत मशहूर डॉक्टर बन गई है। मशहूर डॉक्टर बन गई है? कहाँ होगी वो इस वक्त? ये गधा पकड़ चुकी थी क्या? क्या बोल रहे? जेजे हॉस्पिटल में। जेजे हॉस्पिटल। शुक्रिया ना केदार जी है। जी, शुक्रिया। नमस्ते जी। नमस्ते। जाने का मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, मुझे माफ कर दीजिए। तकलीफ? हाँ, बहुत बड़ी तकलीफ है। आज मेरा दोस्त ना बड़ा मुजरिम बन गया, वो हाथ जो कभी गिटार पर चलते थे आज एक संगीन मुजरिम बनकर मशीन गन पर चल रहे होंगे, है ना? तुम बता सकती इस वक्त रवि कहाँ होगा? कौन है ये? सारी आरामी का पिला पुलिस का मुखबिर है, लकड़ी काटने वाले के बेस में हमारे इलाके में घूम रहा था, मैंने साले को पकड़ा और यहाँ ले आया। तुमने यहाँ के बारे में क्या क्या जान लिया है ये मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि तुम यहाँ से वापस नहीं जाओगे। अब मैं तुमसे जो पूछूं सिर्फ उसका जवाब दो। पुलिस बटालियन के कितने कितने लोग कहाँ कहाँ तैनात हैं? इस पिस्तौल में 6 की जगह 5 गोलियां हैं। नहीं, मुझे मत मारो, बताता हूँ। करीब 100 पुलिस के साथ कमिश्नर साहब जंगल में पांव डाले हुए हैं। बाकी लोग सब होशियार रहना, तुम पीछे आने वाली पुलिस को संभालो, मैं जंगल जाऊंगा। रवि तुम वहां मत जाओ, किसी और को भेज दो। क्यों? मुझे डर लग रहा है। मछली को जाल में पकड़ा जा सकता है अगर बिजली को नहीं। नहीं रविशंकर, प्लीज रुक जाओ। दूसरे मरते मर जाएं, लेकिन मुझे नहीं मरना चाहिए, यही कहना चाहती हो ना तुम? मेरी जान की इतनी परवाह क्यों है तुम्हें? क्योंकि तुम मेरी जान हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ रवि, आई लव यू। लव, ये शैतान के नाम से भी गिरा हुआ नाम है। प्यार दिल से आने वाला एक पैगाम है, और मेरे पास दिल नहीं है, क्योंकि एक संदिल ने इस दिल को चलाकर राख कर दिया है। सिर्फ तुमसे ही नहीं, दुनिया की हर लड़की से मैं नफरत करता हूं, बेकारत है मुझे। ए बुढ़े, इधर आओ। कौन हो तुम? लगता है नए नए आए हो, इसलिए ऐसा अजीब सवाल किया है। अजी साहब, इन पेड़ों से पूछिए, इनकी एक एक पत्ती से पूछिए, इस जंगल के एक एक तिनके से पूछिए, मौला की कसम मेरा नाम शेर खान बताएंगे आपको। तुम यहाँ क्या करते हो? अजी साहब, लकड़ियां काटता हूँ, फिर शहर में ले जाकर बेचता हूँ, यही मेरा काम है। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हमें खबर मिली है कि यहाँ किसी गांव में खतरनाक मुजरिम रहते हैं। तुम्हें मालूम है वो कहाँ रहते हैं? हम उन्हें पकड़ने आए हैं। अजी साहब, अरे अरे वो बड़े खतरनाक लोग हैं, आप उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों नहीं पकड़ पाएंगे? क्या इतना मुश्किल काम है ये? मुश्किल नहीं मौला की कसम, नामुमकिन है। ए बूढ़े, क्या बात कर रहे हो? देखिए साहब, उनके पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप में से सबसे ज्यादा जो हिम्मत वाला हो वो अकेला जाए, उनके छुपे हुए ठिकानों का पता लगाए, फिर पूरी फौज के साथ उन पर धावा बोल दे। इस तरह भीड़ में जाएंगे तो उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे साहब। तुम रास्ता दिखा सकते हो? मैं चलने के लिए तैयार हूँ।
जरूर। इंस्पेक्टर चौहान। यस सर। आप लोग यहीं मेरा इंतजार कीजिए। ओके सर। चलो। तुम इतनी दूर ले आए हो, आखिर वो लोग हैं कहाँ? उस गिरोह में से अगर एक को देखना चाहते हैं तो यहीं देख सकते हैं। सारे गिरोह को देखना है तो थोड़ी दूर और चलना पड़ेगा। उस गिरोह में से एक यहाँ है, मगर कहाँ है? यहाँ। कमिश्नर साहब, मैं आपसे इस रूप में मिलूंगा ये आपने कभी सोचा नहीं होगा। रविशंकर, मुझे इतना बेवकूफ मत समझो। तुम्हारी असलियत तो मैं पहले ही जान गया था। तुम्हारा सहारा लेकर अब तुम्हारे गिरोह तक पहुंचकर मैं उनका नामो निशान मिटा दूंगा। तुम लोगों में से यू फूल, क्यों गोली चलाई तुमने? हम लोग आपस में फैसला कर रहे थे, तुम्हें बीच में आने के लिए किसने कहा? अगर तुम्हारी गोली लगने से वो गिर गया है तो इसमें मेरी जीत नहीं, मेरी हार है। Come on now, get lost and find him. जाओ जल्दी, आओ मेरे पीछे। Come on, hurry up. रवि, रोश में हो? रवि, रवि, गोली तो मैंने निकाल ली है मगर जहर सारे शरीर में फैल गया है। रवि को फौरन अस्पताल ले जाना होगा वरना इसका बचना नामुमकिन है। नहीं नैना, तुम नहीं जानती, पुलिस जंगल के चप्पे चप्पे में रवि को तलाश कर रही है। इस वक्त इसे बाहर ले जाना खतरे से खाली नहीं। और अगर ये यहीं रहा तो इसकी जिंदगी का खतरा और भी बढ़ जाएगा। सिर्फ एक ही रास्ता है, हो सके तो ये इंजेक्शन ले आओ, मगर ये किसी आम दवा की दुकान पर नहीं मिलेगा, सिर्फ सरकारी अस्पताल में मिलेगा। मगर वहां भी पुलिस को शक होने का डर है, मगर क्या करें, वक्त बहुत कम है। तुम रवि का ख्याल रखना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
आपको भी जॉगिंग का शौक है? जी, अपने गांव में तालाब के चार पांच चक्कर लगाता था, वहीं से शौक पैदा हो गया। सवेरे सवेरे जॉगिंग करना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप सिर्फ सेहत ही नहीं, इससे दिल को राहत मिलती है, खुशी मिलती है। आप हर सुबह आया करेंगे? ऐसी खुशी मिलने के बाद कौन नहीं आएगा। भविष्य के बारे में आपने क्या सोचा है? जी वो शुरुआत तो अच्छी है, अंजाम भी अच्छा होगा। थैंक यू। थैंक यू पत्थर जी, हमेशा रास्ते में ऐसे ही पड़े रहिएगा। रविशंकर मिस्टर रविशंकर मिस्टर रविशंकर क्या हुआ, आप जॉगिंग के लिए नहीं आएंगे? बात यह है कि रात भर तेज बुखार रहा, बुखार में मैं सड़ता रहा, पैरों में, हाथों में, जोड़ों में बहुत दर्द होता है। ओह नो, जरा देखूं तो। जबान दिखाइए। ओके ओके, जस्ट अ मोमेंट। अरे रविशंकर, नैना ने तेरे हाथों को छू लिया, तेरे माथे को छू लिया, अब ऐसी कोई तरकीब निकाल तेरे दिल को छू ले। लगता है आबो हवा की तब्दीली से आपकी तबीयत खराब हो गई। आप ये टैबलेट इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? मैं यहाँ रख देती हूँ, जरा वो दर्द वाला हाथ दिखाइए। अरे पहले तो आपने बाया हाथ दिखाया था ना? बोला था कभी कभी दाएं हाथ में भी दर्द होता है। आप सच सच बताइए कि आपको बीमारी है क्या? रातों की नींद हराम हो गई है, दिन का चैन उड़ गया है, जवानी तिल मिला रही है, आंखों में सपने डोल रहे हैं, दिल में कुछ हलचल सी पैदा हो गई है। जरा देखिए, देखिए ना। आपकी बीमारी का इलाज दवा से नहीं हो सकता, आपको तो गैरेज भेजना पड़ेगा जहाँ कारों की मरम्मत होती है। आपके बदन के एक एक पुर्जे की वेल्डिंग करनी पड़ेगी। लेकिन मैं पूछती हूँ कि ये सब नाटक किसके लिए? ये जानने के लिए सवाल पूछना जरूरी है। मैं बम्बई आई हूँ डॉक्टरी करने के लिए, प्रेम करने के लिए नहीं। इतिहास गवाह है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ है। मैं भी एक कामयाब गायक बनना चाहता हूँ और इसीलिए चाहता हूँ कि आप मेरा हाथ बने। शट अप। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मेरे प्यार को ग्रीन सिग्नल कब देंगी? आपके सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकती, वक्त ही देगा। जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा, और जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक मैं यूं करता रहूंगा, फिर भी जवाब नहीं मिला तो मैं एक टांग पर खड़ा हो जाऊंगा। तुम चाहे एक टांग पर खड़े रहो या आधी टांग पर, तुम चाहे जिंदगी भर ऐसे खड़े रहो, मुझे कोई परवाह नहीं। ठीक है, फिर मैं भी आपको दिखा दूंगा कि मेरा प्यार कितना सच्चा और पवित्र है, मेरे इरादे कितने मजबूत हैं। जब तक आपका ये पत्थर दिल पिघला ना दूं, ये प्रेम तपस्या जारी रहेगी। बेस्ट ऑफ लक। जय प्यार। नैना, अरे मैं हूं ना। तुमने मुझे डरा दिया। अरे तो क्या हुआ, मैं अपने उनको भी डरा कर भीगी बिल्ली बना देती हूँ। अच्छा तू पहले मेरी बात सुन, वो जो रवि है ना, वो बेचारा तेरे प्यार में पागल हो गया है रे। लेकिन चाची। अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, इतने अच्छे घर का लड़का है, शरीफ है और बड़े बूढ़ों की इज्जत करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने जिंदगी में पहली बार दिल दिया है, और वो भी तुझको। अब तू ये जिद छोड़ और जाकर उसे फौरन मिल, उस बेचारे की हालत बहुत खराब है, उसने सुबह से रोटी का एक निवाला तक नहीं खाया। खाना खाना भी नहीं खाया। हटिए हटिए प्लीज।
टोपी वाले, उससे कहो कि नैना उसे बुला रही है। अरे ओ दाढ़ी वाले साहब, उससे कहो कि नैना उसको बुला रही है। वो बकरी वाले दादा, उससे कहो कि नैना उसे बुला रही है। अरे लकड़ी वाले भैया, उससे कहो कि नैना उसे बुला रही है। नैना आपको बुला रही है। क्यों बुला रही है? 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 क्यों बुला रही हो? उनसे कहिए वो जीत गए, उनके प्यार को मैं समझ गई। वो जीत गए उनके प्यार को मैं समझ गई। वो जीत गए उनके प्यार को मैं समझ गई। वो जीत गए उनके प्यार को मैं समझ गई। वो जीत गए उनके प्यार को मैं समझ गई। वो जीत गए उनके प्यार को मैं समझ गई। मुझे यकीन नहीं आता। रविशंकर, I love you! रविशंकर, I love you! रविशंकर, I love you! नैना, I love you! रवि, I love you too! नैना! रवि! नैना! I love you. Nana. I love you. Nana, I love you. 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 जो आग लगी है दिल में ये ना बुझेगी बुझाए, अब जान ही जाएगी तेरे प्यार में। ये जो आग लगी है दिल में ये ना बुझेगी बुझाए, अब जान ही जाएगी तेरे प्यार में। I love you, I love you, I love you, I love you. We'll be right back.
जो किसी ने वो कर जाएंगे, नहीं करेंगे प्यार वो डर जाएंगे। किया नहीं जो किसी ने वो कर जाएंगे, नहीं करेंगे प्यार लोग डर जाएंगे। मिले अगर ना हम तो हम मर जाएंगे। दबाए अब जान ही जाएगी तेरे प्यार में। I love you, 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 I love you। ये जो आग लगी है दिल में ये ना बुझेगी बुझाए, अब जान ही जाएगी तेरे प्यार में। बैल्कनी एक्ट 30, बैल्कनी एक्ट 30, जल्दी करो, फिल्म शुरू होने वाला है। मदर इंडिया फिल्म, नरगिस का बेस्ट एक्टिंग, जल्दी करो, थोड़ा टिकट बचता है। चलो पुलिस वाला आ जाएगा, जल्दी करो। एक दो छुट्टा इंटरवल में, बाबा छुट्टा इंटरवल में। चलो चलो ना जल्दी चलो। क्यों बे? बालकनी मंदाकिनी समझा कि नहीं? समझ गया। हवलदार, नाकेदार, सूबेदार, सरपोतदार। गलत जगह हाथ डाला है तूने। बिल्कुल सही जगह हाथ डाला है। जरा कोने में चल, बताता हूँ कौन हूँ। आप हवलदार को कोने में लेके जाता है? You insulted I? You know I? क्या मतलब? CID वाले अपनी शिनाख्त दूसरों पर जाहिर नहीं करते, गधे। गधे? सुनो, देखो मैं यहाँ जो ब्लैक टिकट करते हैं उन पर नजर रखने के लिए आया हूँ, समझे? अबे मगर तू है कौन? कहा ना मैं CID ऑफिसर हूँ। तू CID ऑफिसर और तू? अरे धोतेदार, आई नो यू। क्या मतलब? तुम्हारा नाम धोतेदार है ना? नहीं, सरपोतदार है। हाँ सरपोतदार, आई नो। बहुत ईमानदार, बहुत काबिल किस्म के हवलदार ऑफिसर है। मैं आपके बारे में सब जानता हूँ। आप इतने नेक हैं और हिंदुस्तान के लिए बहुत ही काबिल अफसर है। कहीं चलते हैं, मुझे इस इलाके के बारे में आपसे बहुत कुछ पूछना। सर मैं वो मैं चाहता हूँ आपकी सच्चाई पीऊं, कुछ प्राइवेट बातें करूं। अच्छा, जब चाय तो पियेंगे। मेरे पैसा वन... पैसे बहुत है तोतेदार मेरे पास। तोतेदार नहीं सर, सरपोतदार। हाँ हाँ सरपोतदार। चलिए चलिए, अच्छे से अच्छा कौन सा रेस्टोरेंट है इधर? इधर महंगा इधर सस्ता है, तो इधर चलते हैं। ए फटकरी, ए किसको फटकरी बोला रे? तेरे को कितनी बार बोला मेरा नाम फटाकड़ी है? साला घड़ी घड़ी फटकड़ी फटकड़ी करता, एक लगाऊंगी। एक प्लेट गुड्डा मसाला लाओ। ए बोकर, साहब का गुर्दा निकाल। आप पुलिस CID बहन भाई? सर आप बहुत बहुत बड़े आदमी है, मेरे दूसरा ऑफिसर है ना, आप बैठिए ना सर। वो हवलदार को मुंह भी नहीं लगाते, खाना खिलाना तो दूर की बात है, आप कितने महान आदमी सर। अपना तो बचपन से सुन रहा है कि बड़े आदमी को जूते पर, मेडल वाले को मेडल में, छोटे को सर पर। ये बात समझ में नहीं है मगर बहुत बड़ी बात है। खाने के बाद समझ आ। बोल क्या मांगता है? ए तेरे कमीज के इतना बड़ा सब किसको करती है? तेरे पास क्या है वो बता। मटन करी, मटन मसाला, कीमा बाल, गुर्दा का पूरा, भेजा फ्राई, पाया तर्री वाला। क्या खाएंगे सर? आप जो भी खिलाएंगे खा लूंगा सर। आए और दो मटन फ्राई, दो चिकन फ्राई, दो बैंगन भरता, दो दाल फ्राई, आठ पराठे ले आओ। आठ पराठे ज्यादा नहीं हो जाएंगे सर? मैं भी तो खाऊंगा ना भाई। आप खाएंगे? आपके सबसे सिर्फ पुलिस वाले खाते हैं, CID वाले भी खाते हैं। मेरे मालूम नहीं थे सर। तू क्या कर रही है? ऑर्डर देने की लाइन मार रही है, चल जाना। ए सीधी तरह बात कर, मेरा नाम भी फटाकड़ी है। तो हुआ करे, मेरे को क्या करना, मेरा नाम ही नाकेदार है। चल जा। ए
अरे जाती हूँ यार। नाकेदार जी, यस सर, इस इलाके में आपकी बड़ी दुकान। बस सर, आपके जूतों के मोजों के धागों की कृपा है। इस नाके से लेकर उस नाके तक नाकेदार की धौंस ऐसे चलती है जैसे धूप में आईना चमकता ना सर। वैसे आज से ऐसी चमकेगी हर रात चलने वाला अपना मुंह देखेगा इसमें। सुन दे सर, तो मेरे सर याद रखिए ना सर। ये लो मेरी टोपी। ये क्या आ गया आप? ले तेरा खाना। कुछ दिया था लेकर कुछ आ गई, ये क्या? चलेगा सर, मगर सर ऐसा खाना जिंदगी में दूसरी मर्तबा खा रहा हूँ सर। अच्छा, पहले कहाँ खाया था सर? बुरा तो नहीं मानेंगे सर? इसमें बुरा मानने की बात है, बता बता खुल के बता। एक जगह शादी थी, वहाँ बिन बुलाए चोरी से दीवार कूद के अंदर पहुँच गया था। बॉय सर, थोड़ा मेरे को भी तो, अरे मुझे भी खाने दो यार, अकेले खा जा रहे हो। मेरा हाथ तो लगेंगे सर। मैं सर एक निवाला तो ले लूं सर। मैं प्लीज सर, मैंने अभी हाथ भी नहीं लगाया सर। सर ये तो सब ऐसा लगता है, तो मैं टीवी देख रहा हूँ सर। प्लीज सर, मैं क्या के लिए आया सर? सर मैं क्या नुमाइश में आऊंगा सर? सर ऐसा क्या आदम, क्या कोई मैं वोटून थोड़ी है सर? ये तो मेरे थोड़ा दोनों सर, क्या ये अच्छा चलिए, मैं किसी और ये मेरा थोड़ा सा लेता ये नहीं सर। तो मैं कहा ऐसा जरूर है सर, ये सर वो स्वीट डिश क्या लोगे? एक डिश तो हाथ लगाने मिला, स्वीट डिश क्या खा? क्या बोलते हो? नहीं नहीं सर, ना खाया भैया, और क्या खाओगे? मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे सर आप? हाथ धो लूँ, मुझे जरा जल्दी खाने की आदत है। तुम खाओ, खाओ ना। अब क्या प्लेट खाओ, भूखा आदमी, चाटने के लिए भी कुछ नहीं छोड़ा यार। ए, ये ले तेरा बिल। ये मेरे को क्या देती? वो साहब आएगा उसको देना। कौन साहब? वो इंस्पेक्टर साहब जो भी हाथ धोने को गया। तेरा खसक गया है क्या? काय को? अरे वो इंस्पेक्टर विंस्पेक्टर कुछ नहीं, वो टिकट ब्लैक करने वाला टपोरी है। ए, वो सुनेगा ना तेरे को भी ले जाके बंद कर देगा अंदर। अरे तेरे ऐसी शपथ, वो इंस्पेक्टर नहीं है, अलंकार सिनेमा के बाहर टिकट ब्लैक करने वाला टपोरी है। मदर इंडिया गोल्डन जुबली, चलिए 8:30 जल्दी चलो चलो। अरे चलो ना जल्दी चलो, 8:30 दे बाबा। साला चोर, फांदेबाज, टपोरिया, यहाँ टिकट ब्लैक करता, मेरे को बोलता सीआईडी ऑफिसर हूँ, मेरे को तोतेदार बोला था, गधा बोल के गधे का इंसल्ट किया था। अभी बताता हूँ, देख के देखो ये कपड़े ऐसे नहीं पहनना, मदर इंडिया की तरह कपड़े पहनना, समझ गए? फिल्म से कुछ सबक लो। हाँ तो बात करेंगे, टिकट मेरे को भी देना, 50 रुपए निकाल। अच्छा देखा भाग गया। ए, इधर से किसी को भागते हुए देखा क्या? साला गधा जवाब ही नहीं देता है। इधर से कोई आदमी को भागते हुए देखा क्या? जवाब। अबे कोई भागते हुए किसी को देखा? अबे किसी आदमी को देखा ही नहीं। अबे मरता का है कोई? सीधे बोलो। कौन है? ए, मेरा पेशाब बंद हो गया। ज़िप, ज़िप, ज़िप बंद कर लेते, ज़िप। अरे मैं साहब, मैं एक्टर बनने आया था, भगवान ने मुझे ब्लैक मार्केट बना दिया। अब बज रही है, यहाँ बज रही है, कहाँ इधर भी बज रही है। अरे फिर चीखो दीवाले, ओए ओए, नाकेदार जी क्या हुआ? हैं? अरे ये आवाज की जगह सीट भी क्यों? ये कैसे हुआ? अच्छा अच्छा, ओ ले चलो, हाँ तो चलो, अरे चलो।
गोली घुस गई है पेट में। लपेट कर। हाँ फांदेबाज, मेरा मतलब नाकेदार, माफ करना भाई। चला नाकेदार को फांदेबाज बोलता है, वो मेरी जान का दुश्मन, वो टपोरी बाज, वो माली साला किधर गया होएगा यार? अरे उस मवाली को मारो गोली, ये जो तुम्हारे पेट में गज भर लंबी सीटी घुस गई है उसके लिए सोचो। अरे मवाली। वो साली सीटी ने तो बर्बाद किया हुआ है, पेट के तंबू में बिना ड्राइवर के कार की तरह चारों तरफ घूम रही है, जिधर मन आता उधर चली जा रही है। अभी किधर गई? नो एंट्री में। ओफो, ये निकलेगी कैसे? मुझे लगता है कि ये सीटी निकालने के लिए इन्हें उल्टी करवानी पड़ेगी। अरे उल्टी कराओ के सीधी कराओ, मगर जल्दी कराओ, ये सीटी अंदर मेरा बैंड बजा रही है। नौ महीने की तरह फूले हुए इनके पेट की ऐसी धुलाई करूंगी कि सीटी उड़ कर बाहर आ जाएगी। हैं? जोर लगा के। अरे इनका पेट है कि सुनार की दुकान है, पप्पू सुनार एंड संत। ये अंगूठी अंदर कैसे गई? हाँ, छुट्टी मनाने गई थी। क्या छुट्टी मनाने गई थी? अरे ये अंदर कैसे गई, ये पूरी कहानी मैं सुनना चाहूंगी। तो ये कहानी सुनना चाहती है? ऐसा लगता हवलदार ने इंस्पेक्टर से शादी कर ली। बताते हो कि नहीं? अरे बाबा बताता हूँ। एक दिन है ना, मैं एक चोर के पीछे भाग रहा था, भागते 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 मैंने जाकर उसको पकड़ लिया, उसका हाथ मोड़ा तो उसकी अंगूठी मेरे हाथ में आ गई। मैं अंगूठी देखने लगा तब तो वो चोर भाग गया। इतने में सामने से कमिश्नर साहब आ रहे थे। मैं समझा मैं कभी रिश्वत के इल्जाम में पकड़ा नहीं जाऊं, तो मैंने अंगूठी है ना मुंह में डाल लिया। इतने में कमिश्नर साहब आए, उन्होंने कहा नाकेदार। मैंने कहा यस सर। सर बोला मेरा गला बड़ा होगा टड़ाणो, अंगूठी पीछे अपने उतर गई, आज तुमने फटका मारा तो अंगूठी बाहर आ गई। नाकेदार जी एक फटका जोरदार मारिए, इनको हर चीज मुंह में रखने की आदत। चलो चलो लेटो लेटो। अरे नहीं, अरे वो गलत गलत चीज बाहर आ जाएगी तो मेरी जिंदगी वीरान हो जाएगी। आहिस्ता मारूंगी। लेटो रेजगारी। इतनी सारी चीजें तो आपने दे दी मुझे, बस एक झूम का रह गया, दे दो ना। चलो लेटो, मैं एक और मारती हूँ। शर्म कर, कितनी लालची औरत है, पूरा पेट खाली कर दिया, जायज का सारा सामान निकाल लिया, ऊपर से झुमका मांग रही है। अरे नाकेदारनी जी, सब चीजें तो बाहर आ गई मगर असली चीज तो अंदर रह गई। कौन सी? सीटी। सीटी। चलो लेटो, जल्दी लेटो। बहुत नीचे उतर गई वो। अरे मैं बहुत जोर का मारूंगी कि ऊपर आ जाएगी। मत मारिए, सब कुछ निकल आएगा। क्या निकाला? निकला। रुपया, पुलिस को फोन घुमा सकते। हेलो, देखो भी कितने सालों से मैंने कह रही थी कि मुझे एक अंगूठी बना दो, एक चूड़ी बना दो, तो कहने लगे कि पगार बढ़ जाएगी तो बना दूंगा, पर मुझे क्या मालूम था कि पेट की तिजोरी में छुपा के रखा है, वरना पेट फाड़ के निकाल लेती। दादा बोल गई लपेट कर। आजी एक बात बता, ये जैसे उसने मेरे पेट पे फटका मार के सारा सामान बाहर निकाल लिया, अगर अपनी सरकार ये स्मगलरों के और काले धन वालों के पेट पे ऐसी फटका मारे तो अपने देश का काला धन उड़ के बाहर आएगा कि नहीं आएगा? नाकेदारनी जी, एक जरा जोरदार फटका और मारिए। क्यों? परसों मेरा टिफिन खो गया था। कौन? कौन हो तुम? आहिस्ता आहिस्ता बोला, आहिस्ता बता तुम, तुम कौन हो? मैं इस कमरे का किरायेदार हूँ। मैं भी किरायेदार हूँ। कैसे? वो ऐसे कि देखो, तुम सामने के दरवाजे से आके किराया देकर रहते हो। हाँ। और मुझे खिड़की में से घुसकर बगैर किराया दिए रहना पड़ता है। हा? अरे शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा, मैं इतनी मुश्किल से खिड़की से चढ़कर आया हूँ, मुझे बैठने के लिए नहीं कहेगा? बड़ो 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 बड़ो। अच्छा,
ये नाकेदार तो खड़ूस है, इसने कमरा तुम्हें किराए पे कैसे दे दिया? वो उसकी भांजी है ना नैना, उसकी दादी माँ को लाया था, दादी माँ तो मर गई। तेरा कम कर की, तेरा ठिकाना तो बन गया जी। ये नैना है ना, बड़ी चंगी लड़की है यार, बेचारी डॉक्टर बन जाए, मैं तो उसके लिए मंदिर में जाकर ना जाने कितने नारियल तोड़ चुका हूँ। लग दिया ते इस कमीने नाकेदार ना लग दिया। ये लगदी क्या है? लगदी नहीं समझदा, पर लगदी पंजाबी दा लफ्ज है, लगदी दा मतलब दुश्मनी। मेरी और इस कांस्टेबल दी बड़ी दुश्मनी है, लगदी है उस दे नाल। दुश्मनी क्यों है, दोस्त क्यों नहीं बन जाते? अरे चोर और पुलिस की दोस्ती हुई है कभी? अच्छा अच्छा, तो आप चोर हैं? चोर उठ जाएगा कोई, आहिस्ता बोल। बात मुंह से निकल गई तो बाकी भी सुन लो, मैं क्या हूँ, सिनेमा की टिकटों की ब्लैक करता हूँ, जेबे मारता हूँ और बहुत सी डिग्री है मेरे पास। हाँ मेरी इंट्रोडक्शन तो हो गई, आप अपने बारे में बता दो क्या करते हो? जी मैं रवि हूँ। रवि? वो सूरज? नहीं नहीं, अभी तो नहीं हूँ, लेकिन सूरज की तरह रोशन होना चाहता हूँ। म्यूजिक की दुनिया में, संगीत की दुनिया में मैं चाहता हूँ कि सूरज की तरह चमक जाऊं, लोग मेरे संगीत के दीवाने हो जाए। माफ करना चोर जी, मैं जज्बात में बह गया था। नहीं, दरअसल तेरे जज्बात में मैं बह गया हूँ, तेरे अंदर मैं अपने आप को देख रहा हूँ। मैं समझा नहीं चोर जी। चोर जी वैसे बहुत फपता है मुझ पर, तुम जाओ तो मुझे शाका कह सकते हो। वैसे मेरा असली नाम शेखर है, शेखर शाका कैसे बन गया ये कहानी सिर्फ तीन लफ्जों की है, गरीबी, मजबूरी, बदकिस्मती। I'm sorry। बड़ा भाई होने के नाते एक बात कहूं? कहिए। जिस तरह मैं शेखर से शाका बन गया, तुम कभी रवि से राका मत बनना। Done। सरकारी शान की तरह ये समझकर अंदर मुंह मारने कहाँ घुसा चला जा रहा है? अंदर म्यूजिक कंपटीशन होने वाला है। मैं तुम लोगों को क्या लग रहा हूँ, ना ना बॉम्बे शहर देखने आया हूँ या गीत गाने वाला लग रहा हूँ? शाबाश, क्या ये गीत गाने वाला लगता है? सड़क पर से गुजरने वाला हर हैरा हैरा नथू हैरा अंदर जाके गीत नहीं गा सकता। एक एक शहर में कंपटीशन करा के एक एक आदमी को सेलेक्ट करके चुनिंदा चुनिंदा लोगों को चांस दिया जाता है। आए हप आए काय के बच्चे, ये हाथ देखा है? ये हाथ सिर्फ गिटार बजाना ही नहीं जानते, तुम दोनों का खून करना भी जानते हैं। अब मुझे अंदर जाने की इजाजत मिलेगी या नहीं? आए जाइए सर, आप जाइए 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 आप जाइए।
साले नैना तेरे नैनों की गलियों में मुझको बसा ले नैना मुझे नैनों में गाजल बना के लगा ले नैना तेरे नैनों की गलियों में मुझको बसा ले सितारे फूलों को सितारों को आते नहीं ये इशारे नैना तेरे नैनों के अंदाज है सबसे निराले नैना तेरे नैनों की गलियों में मुझको बसा ले को बसा ले
खाना छोड़कर आप इतने गौर से अखबार देख रही हैं, क्या बात है? कल रविशंकर का प्रोग्राम था, नैना वाले गाने में लोग झूम उठे और बार बार उसी गाने की फरमाइश करने लगे। देखो ये प्रीतम को तो देखकर पेट भर जाता है, मगर अखबार देखकर पेट नहीं भरता। खाना खा लीजिए। डॉक्टर, डॉक्टर, एक कत्ल का केस आया है, मरीज बहुत सीरियस है, उसे फौरन ऑपरेशन थिएटर ले जाओ, मैं अभी आती हूँ। आपने खाना नहीं खाया? एक दफा ना खाने से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर देर हो गई तो एक जान का नुकसान हो जाएगा। चलो। ठहरो डॉक्टर, ठहरो, इससे पहले मैं बेहोश हो जाऊं या मेरी जान चली जाए, मैं एक बहुत अहम राज की बात बताना चाहता हूँ। क्या मतलब? आज 3 बजे की एयर इंडिया की फ्लाइट से ग्रीन आइलैंड के एम्बेसडर आ रहे हैं, और मोना नाम की एक लड़की। हाँ, बोलिए। ठीक 4:30 बजे उनका खून। हाँ बोलिए बोलिए। उनका खून करने वाली। जो कहता है वो करके दिखाता है, जो चाहता है उसे हासिल करके रहता है। अगर आज तुमने उस नाम को बदनाम कर दिया, अब तक जिस आदमी को गोलियों से छलनी होकर अस्पताल के मुर्दा खाने में पड़ा होना चाहिए था, वो इस वक्त एयर कंडीशन बंगले में आराम की नींद सो रहा है, और हम नाकामी की आग में जल रहे हैं। क्या तुम्हें अकलमंद समझना मेरी बेवकूफी थी? क्या उस VIP को कत्ल करने के लिए भेजना मेरी गलती थी? अगर मुझे यह मालूम होता कि यह काम तुमसे नहीं होगा, तो इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी मैं खुद ले लेता, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी ये उंगली पिस्तौल का ट्रिगर दबाने के लिए बेचैन है, और आज मैं इसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। बॉस, थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन लीजिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इतना बड़ा नुकसान और हमारी बदनामी का सबब ये 4 आदमी है। एम्बेसडर के जिस आदमी को अगवा किया गया था, उसे ये मालूम हो जाने के बाद कि VIP कौन सी गाड़ी से निकलेंगे और उनका ड्राइवर कौन होगा, उस आदमी को कत्ल करने के बजाय इन लोगों ने उसे अधमरा छोड़ दिया, और वही आदमी ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर नैना को अपना बयान देकर मर गया, और डॉक्टर नैना की वजह से हम सब मुसीबत में फंस गए। डॉक्टर नैना कौन है ये? पुलिस को खबर करने का भी वक्त नहीं था, फिर भी ऐसे मौके पर आपने जिस मेहनत और साहस से काम लिया है, समझ में नहीं आ रहा है कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। डॉक्टर नैना पर हम जितना भी फक्र करें कम है। तुमने हमको नई जिंदगी दिया है माय डियर डॉटर, कहो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकता है।
माफ कीजिएगा सर, एक इंसानी फर्ज समझकर ये काम किया है मैंने। इसके दाम मुकर्रर करना अच्छा नहीं, बस आपका प्यार और आशीर्वाद ही काफी है मेरे लिए। So nice of you. Thank you very much. जालंधर कहाँ ले जा रहे हो मुझे? डॉक्टर नैना, तुम्हें यहाँ किसी मरीज के इलाज के लिए नहीं बुलाया गया है, बल्कि इलाज तो मैं तुम्हारा करूंगा, क्योंकि मैं जुर्म की दुनिया का डॉक्टर हूं। मेरा उसूल यह है कि जब भी कोई इंसान मेरे आड़े आता है तो इस रिवॉल्वर से उसका ऑपरेशन करके मैं उसे मौत के मुंह में भेज देता हूं, इसलिए कि मेरा नाम ही मौत है। तुमने अपना पेशा छोड़कर सियासत के कामों में टांग अड़ाकर बहुत बड़ी गलती की है, और तुम्हारी इस गलती की वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। नुकसान? हाँ नुकसान। तुम्हारी वजह से जो आदमी बच गया, अब हम उसे तुम्हारे हाथों से मरवा देंगे। कल हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। शादी? तुम्हारी शादी करवाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि तुम्हारे इन्विटेशन पर ग्रीनलैंड का एम्बेसडर जरूर आएगा, और अगर वो आ गया तो हम उसका ऑपरेशन करके उसे यमराज के पास पहुंचा देंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आखिर तुम उस सीधे साधे शरीफ आदमी को क्यों मार डालना चाहते हो? क्या मिलेगा तुम्हें उसकी मौत से? उसकी मौत से हमें 5 करोड़ मिलेगा। अच्छा जल्दी ये बताओ, तुम शादी किससे करना चाहती हो, अपनी पसंद से या मेरी पसंद से? मुझे जवाब जल्दी चाहिए, मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद मैं अपने किसी भी आदमी से तुम्हारी शादी कर दूंगा। नहीं, मेरी शादी तुम्हारे किसी आदमी के साथ नहीं हो सकती। मुझे अपनी पत्नी बनाने का हक सिर्फ रवि को है। रवि मेरा प्यार है और मैं उसके प्यार की कर्जदार हूँ। मैं उसके अलावा किसी और की पत्नी नहीं बनूंगी। ठीक है, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा रवि कहाँ है और क्या करता है? वो कलकत्ता गया हुआ है एक शो के सिलसिले में। गिटार बजाता है, गायक है। तुम उसे बुला लो, मेरी मजबूरी जानकर वो फौरन चला आएगा। उसके कलकत्ता से लौटने का इंतजार करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम अपने रवि को भूल जाओ। क्या? तुम्हारे लिए सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। और सुनो, मेरे आदमियों में से किसी एक को पसंद कर लो, वरना तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगी। मेरे बताए हुए प्लान को अच्छी तरह याद रखना। अगर किसी को इसके बारे में बताने की कोशिश की तो तुम्हारे प्रेमी रवि का नाम मेरी हिट लिस्ट में सबसे आगे होगा। फिर वो जिंदा नहीं बचेगा। नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरी रवि की जान नहीं ले सकते। बॉस, ये रही इनके प्रेमी की तस्वीर। तो ये है जिसे तुमने पसंद किया है। मैंने पहले ही कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है। इनमें से जल्दी से किसी को पसंद कर लो। चलो। मैं इनमें से किसी के साथ शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। तो फिर? एक लड़का है शाका, जो सिनेमा घर में ब्लैक की टिकट बेचता है। मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। खैर जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं अभी उसे बुलवाता हूँ। कौन सी भूल भुलैयों में लेकर जा रहे हो मुझे? नैना कहाँ? अभी पता चलेगा। सुअर की औलाद, लड़की को यहाँ क्यों बंद कर रखा है? ए, तमीज से बात कर, जानता नहीं हम राजपाल हैं? तुम राजपाल हो या गधे की खाल, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, तेरी जिंदगी पे फर्क पड़ता है। तेरी जिंदगी सुधारने के लिए तेरी शादी करनी है। अच्छा, आपकी लड़की जवान है? खामोश! इतनी जवान और खूबसूरत लड़की तेरे सामने खड़ी है, दिखाई नहीं दे रही। तू नैना की बात करता है कुत्ते? शाका! मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। शाका छोड़ दो इन्हें, क्या कर रहे हो? मेरी बात तो सुनो शाका। हट जाओ। शाका, ये मेरा अपना फैसला है। क्या हो गया है नैना तुम्हें? होश में तो हो ना तुम? मैं पूरे होश में बात कर रही हूँ शाका। शाका, तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगी। हाँ हाँ, वो कहा तो था, पर तुम ये भी सोचो कि वो रवि क्या कहेगा। रवि जो चाहे सोचे, लेकिन ये लोग जो चाहते हैं कम से कम वो तो नहीं होगा। समझ गया, तू इनके डर से ये सब कर रही है। अब तो एक तरफ हट जा, और इस कुत्ते को तुम सिर्फ धमकी ही नहीं देते बल्कि करके भी दिखाते हैं।
अच्छा अगर मैं शादी से इनकार कर दूं तो क्या कर लेंगे आप? तो तीन जाने जाएंगी, तेरी, इस लड़की की और उसकी जिससे ये प्यार करती है। और अगर मैं शादी के लिए हाँ कर दूं तो सिर्फ एक ही जान जाएगी एम्बेसडर साहब की, जिन्हें शादी में आशीर्वाद देने के लिए बुलवाया जाएगा। तो हम शादी की तैयारी करते हैं। जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अरे? और तुम दोनों यहाँ हमारे मेहमान बनकर रहोगे, है ना? उस एम्बेसडर के नाम ये दावतनामा लिखो। जेम्स वॉन्ट जी, दस्तखत भी हो जाएंगे लेकिन हमारी एक इल्तिजा मान लीजिए कि हम शादी करेंगे तो अपने खानदानी पंडित के पास, नहीं तो नहीं करेंगे। कौन सा पंडित? इनका कहने का मतलब है आजकल जमाना बदल गया है, शादी का अंदाज बदल गया है, शादी की टाइम लिमिट बदल गई है, आजकल परमानेंट कम और टेम्पररी शादियां ज्यादा। 5 घंटे की शादी, 3 घंटे की शादी, 2 घंटे की शादी, 1 घंटे की शादी और सबसे कम 5 महीने। मतलब आबादी मतलब बर्बादी, चली चली रे पतंग चली चली रे, होए इंडिया ने चिंगलिक पोहो महाड़ा रे पोहमाणा, होए इंडिया ने चिंगलिक टूट गया रे नागवाड़ा। वो क्या है पंडित जी, अम्बेसडर साहब आने वाले हैं, उनका आशीर्वाद लेकर फिर हार डालेंगे। अम्बेसडर साहब का आशीर्वाद लेना है तो घर जाके लो, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है, हमारे पास टाइम नहीं है और इतने छोटे से काम के लिए इतने बड़े आदमी को तकलीफ देने की क्या जरूरत है। आपको नहीं मालूम कन्या ने एक दफा अम्बेसडर साहब की जान बचाई थी इसलिए वो यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। अम्बेसडर साहब आ रहे हैं, अम्बेसडर वो नहीं, अम्बेसडर नहीं गाड़ी में, हाँ वो वाला। पहले कैसे आ गए? वक्त से पहले नहीं, ठीक वक्त पर आया हूँ, वरना वक्त के इतने बड़े मजाक को कैसे देखता। बात समझो रवि। बात थोड़ी देर से समझा लेकिन समझ तो गया। एक दिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूँ, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब इंसान हूँ, जिसे दोस्त की खाल में दुश्मन और प्यार के धोखे में जहर मिला। मेरी बात तो क्या बात सुनूं तुम्हारी, यही कि तुम एक डॉक्टर हो, मुर्दों से खेलते खेलते तुम्हारे दिल की सारी भावनाएं मुर्दा हो चुकी हैं, और तुम सिनेमा की टिकट की ही नहीं दोस्त बनकर जज्बात की भी ब्लैक मार्केट करते हो। रवि भगवान के लिए इस वक्त खामोश हो जाओ। ज्वालामुखी पर हाथ रखने से उसका मुंह तो बंद नहीं होगा लेकिन तुम्हारा हाथ जरूर जल जाएगा। और तुम डॉक्टर साहिबा, जिंदगी देने की कितनी फीस तुम वसूल करती हो ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मौत देने की फीस आज मैं तुम्हें जरूर दे जाऊंगा। और एक बात याद रखना, आज के बाद दिल का ऑपरेशन कभी नहीं करना क्योंकि तुम सिर्फ दिल तोड़ना जानती हो। रवि, रवि जाने दो उसे। जल्दी बैठिए, जल्दी जल्दी ना। अरे यार झपट कर, झपट कर नहीं लपेट कर, इमरजेंसी में तो सही नाम लिया करो। मेरे क्या मालूम, इमरजेंसी कब शुरू होगी ना, तो भी क्या करेंगे। चलो चलो चला चला गोली चला, चला गोली मारता, गोली हाथ से नहीं पिस्तौल से चला। प्रैक्टिस नहीं चलाने की? अरे प्रैक्टिस करोगे तो लोग मरेंगे ना। मरा मरा, 2-3 तो मरे। अरे वाह, वो आदमी मेरे को देख के कितना कांप रहा है यार। हाथ भी नहीं कांप रहा, तुम्हारे हाथ कांप रहे। क्या बात कर रहे थे थोड़ी। अरे लगा दे दम, क्या करूं मैं, पुलिस का नाम लेके चला दे गोली। चला चला, नहीं चल रही, धक्का तो मार मेरे को। अरे मेरा मक्का फोड़ दिया, मुझे घर ले जाना था यार। मेरे को भी लेके जाना था यार। हाँ चला चला चला। अरे दुश्मन नहीं, अपना आदमी मर गया, कहीं एक सही मारो। अरे
अरे कहाँ भागता, रुक साले। अच्छा हुआ चल। बहुत बहुत शुक्रिया शाका, तुमने हमारा ऑपरेशन कामयाब बनाने के लिए बहुत बड़ा खतरा मोल लिया। आपका ऑपरेशन तो कामयाब हो गया, लेकिन मेरा ऑपरेशन तो सब गड़बड़ हो गया ना। यार की यारी गई और बेचारी नैना की जिंदगी बर्बाद हो गई। गांजा सिगरेट और शराब ही नहीं, हैवी ड्रग्स भी लिए। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, होश आ जाएगा। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि ऐसी बुरी हालत में ये मकान कैसे पहुंची। वो कहां पहुंची, इन्होंने घर पहुंचाया है। अगर ये साहब ना होते तो न जाने क्या हो जाता। ओ अरे, ये तो रविशंकर हैं, गीत और संगीत की दुनिया के शहंशाह। डोंट टेल एनीबॉडी, मुझे इनका गाना बहुत पसंद है। अरे मैं तो क्या, इनका गाना सुन के मंदिर की मूर्तियां भी नाच उठती हैं। मिस्टर रविशंकर, मैंने तो आपको सिर्फ एक दयालु और दिलवाला आदमी समझा था, लेकिन आप एक इतने बड़े मशहूर कलाकार भी हैं, ये मुझे मालूम नहीं था। जब मुझे चला जाने वाली भूल गए तो आपने नहीं पहचाना, इसमें ताज्जुब की क्या बात है। खैर, आपकी बेटी को कितने दिनों से आदत लगी है? मेरी बेटी सीमा अभी कुछ ही दिनों से ऐसी हो गई है। ये देखिए, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में उसे कितने इनामात मिले हैं। सीमा होश पे आ जाए तो आपको देखकर उछल पड़ेगी, संगीत उसकी जान है। सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, मैं बहुत दुखी आती हूं। मैं डॉक्टर हूं लेकिन खुद ही मरीज हूं। मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक ब्रह्मचारी हूं। सर, आप पूछेंगे क्यों, ये बहुत दर्द भरी दास्तान है। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मुझे एक बार गाना सुना दीजिए, मैं हमेशा खुशियों के झूले में झूलता रहूंगा। आज भी हैंगिंग इन हैंगिंग गार्डन, एक धुन सुना दीजिए, मियां की तोड़ी बीबी का तोड़ा। ए, ये सिर्फ डॉक्टर के ही नहीं, हमारे भी दिली ख्वाहिश है। मिस्टर रविशंकर प्लीज। Thank you.
प्लीज रोकिए मत, बजाइए ना। जहां दवा ने काम नहीं किया वहां आपके संगीत ने इसे एक नया जीवन दिया है। मिस्टर रविशंकर, मेरी आपसे एक विनती है, आप कुछ दिनों तक हमारे साथ हमारे घर रहिए प्लीज। अरे क्या कर रही है यार? ये तुम हो, हालत खराब कर दी क्या? अरे बासमती नहीं इंदुमती, मैं कुंती मती, जान में क्या हुआ? ए बोल ना, ए बोल ना, ए बोल ना, ए बोल ना, काय को रोती, कोई मर गया है क्या? कोई मरा नहीं, मैं अपनी मरी हुई तकदीर को कोस रही हूँ। किधर है? नीचे नहीं। अरे कोई नहीं, तुम्हारी चाची ने मारा। चाची? एक जमाना था कि मेरे लिए पेडर रोड से लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स तक रिश्ते आते थे, मगर मेरे बाप ने इनकार कर दिया। अरे यहाँ तक कि एक दिन मफतलाल मिल वालों ने मेरी माँ से शादी की बात की, माँ ने भी इनकार कर दिया। तेरी माँ से शादी करने आए थे? तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़े? नहीं नहीं, अकल पे पत्थर पड़ेंगे तो अकल को मार लगेगी ना। अरे मुझसे शादी करने के लिए मेरी माँ के पास गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तेरे से शादी करने के लिए तेरे माँ के पास आए थे, तो कर लेना था ना यार। इतने बड़े आदमी से शादी करते तो अपने दोनों कितने मजे होते, रोज नए नए कपड़े पहनते, अपने पैसा होता। तुम्हारी अकल तो घास चली गई है। अगर वो मुझसे शादी करता, मैं उसकी बीवी होती, तो रोज नए नए कपड़े मुझे पहनाता, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता? मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं होता। हाँ यार, मैं तो भूल ही गया था। न जाने मेरे माँ बाप को क्या सूझी कि बड़े 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 घरानों के रिश्ते छोड़कर इस निकट टू हेड कांस्टेबल, तुमसे कह रही हूँ, अच्छा। इस निकट टू हेड कांस्टेबल के गले में मुझे घंटी बनाकर लटका दिया, इसी बात को मैं रो रही हूँ। अरे भगवान, इतने साल लग गए तुम्हें हेड कांस्टेबल बनते बनते, न जाने कितने जन्म लग जाएंगे सब इंस्पेक्टर बनते बनते। सुनो क्या है? मैं ये कह रहा था, क्या है? मैं ये कह क्या रहा है? था मैं तो? ये कह, अरे क्या है? मैं थक गया यार, ये अचानक तुम्हारे मन में सब इंस्पेक्टर का ख्याल किधर से आया? आज मैं मच्छी बाजार गई थी। काय के लिए? बड़े बड़े खेकड़े लेने के लिए। मैंने मच्छी वाली से पूछा कि भाई कैसे दिए, तो कहने लगी कि 45 रुपए। मैंने कहा भाई 40 रुपए में दे देना, मैं हेड कांस्टेबल की बीवी हूँ। तो उसने हड़का के निकाल दिया। इतने में एक दूसरी औरत आई और हथेली में 30 रुपए देके लेके निकल गई। ये देखकर तो मैं जल्ला भुन्ना गई। मैंने पूछा भाई मेरे को 40 रुपए में नहीं दिया, उसको 30 रुपए में कैसे दे दिया? तो कहने लगी कि तुम एक मामूली हेड कांस्टेबल की बीवी हो और वो सब इंस्पेक्टर की बीवी है, तुम जल्दी से सब इंस्पेक्टर बन जाओ ना, ताकि मुझे खेकड़े सस्ते मिले। मुझे एक साल का टाइम दो, मैं सब इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। 6 महीने का टाइम दो। अरे नहीं। अच्छा 3 महीने का टाइम दो। अरे फट। अरे हट। अरे बाप का राज है क्या कि चीख मारो तो हवलदार से इंस्पेक्टर बन गया? इसके लिए बड़ा टाइम लगता है, बड़े बड़े केस पकड़ने पड़ते, तुमको क्या मालूम? तो फिर पकड़ो ना। तो कहाँ से पकड़ूं? दुकान पे मिलता जो पकड़ लूं। खेकड़ा तो क्या? तुम पकड़ते क्या हो? तो मैं क्या करूं साला, जब कोई पकड़ता हूँ तो कोई पॉकेट मार मिलता है, रात को बिना पत्ती के साइकिल वाला मिल जाता है, ये कोई केस है? अगर तुम खून का केस पकड़ोगे तो तुम्हारी प्रमोशन हो जाएगी ना? तो हो जाएगी। अरे वाह, तो चलो मैं किसी का खून कर देती हूँ, तुम तो मुझे पकड़ लो, तुम्हें इंस्पेक्टर की वर्दी में देखकर मैं बहुत खुश होगी। अरे वाह वाह वाह, क्या बीवी मिली है, ऐसी 2-4 बीवी मिल गई तो कब का फांसी पे लटक गया होता। अरे कमबख्त,
तेरे को मालूम है खून की सजा क्या होती है? क्या होती है? फांसी। तू खून करेगी तो फांसी पे लटक जाएगी, तो फिर मेरी वर्दी किधर से देखेगी? आसमान की खिड़की में से? नहीं नहीं, देखो तुम कुछ भी करो लेकिन जल्दी से सब इंस्पेक्टर बन जाओ, मेरे खेकड़े मुझे लानत भेजो तुम्हारे खेकड़ों पे। मैं तुम्हारा खून करूंगी अगर जल्दी से सब इंस्पेक्टर नहीं बने तो, समझा? सब इंस्पेक्टर साहब की जय। सब इंस्पेक्टर साहब की जय। सब इंस्पेक्टर साहब, क्या कुत्ते की तरह गला फाड़ रहे हो? सब इंस्पेक्टर साहब घर पे है? तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये घर तक मामूली हेड कांस्टेबल का है। हेड कांस्टेबल? वो सर नाकेदार जी, सर सूबेदार जी, सर थानेदार जी, सर पोतदार जी का घर ये नहीं है क्या? जी हाँ, यही सड़े पड़े हैं वो। आप कौन है? मैं धिक्कार है मुझ पर कि मैं उनकी पत्नी हूँ। आप उनकी पत्नी है? कमाल है, सारे शहर को मालूम पड़ गया और आपको मालूम नहीं पड़ा कि आज सवेरे वो सब इंस्पेक्टर बन गए हैं। क्या? सब इंस्पेक्टर बन गए? अरे वाह, तुम लोग सच बोल रहे हो ना? अच्छा हुआ। नाकेदार साहब जिंदाबाद। मैं साहब, सब इंस्पेक्टर साहब घर पर हैं। मैं जाग रही हूँ या सो रही हूँ? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी मनोकामना पूर्ण की। मेरे पति देव को सब इंस्पेक्टर बना दिया। अब मैं तेरे चरणों में 1000 बड़े बड़े नारियल धड़ा धड़ फोड़ूंगी। क्या लग रहे हैं पति देव? वर्दी खराब हो जाएगी। अरे कौन है तुम लोग? साहब हमारी तरफ से ये फूल मालाएं स्वीकार कीजिए। झड़प, मैं बहुत कड़क किस्म का ऑफिसर हूँ। मेरा डंडा बम्बई में उठता है तो कलकत्ते में जाकर लगता है। ये तो सच है। मुझे चमचागिरी पसंद नहीं है। मगर साहब ये तो फूल है। मालूम, मगर बात हमेशा पहले फूल से शुरू होती है तो फिर जाकर रिश्वत के धूल पर खत्म होती है। मगर हमारे लिए हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी, हमारी वर्दी हमारी जिंदगी से भी ज्यादा प्यारी है। जनाब ठहरिए, सुनिए, ये लोग कितने प्यार से ये फूल माला लाए हैं, लटका लीजिए ना अपने गले में वरना इन बिचारों का दिल टूट जाएगा। फर्ज की दुनिया में हम औरतों की आवाज नहीं सुना करते। तुम्हारी सरहद वहाँ से खत्म हो जाती है जहाँ से हमारी वर्दी शुरू होती है। तुम लोग अभी तक गए नहीं, इससे पहले कि हमारा सोया हुआ फर्ज जाग उठे, निकलो बाहर, निकलो, 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 निकलो। कड़क ऑफिसर है मेरे पति। निकलो बाहर। तुम लोग ये फूल कहीं खरीद के तो नहीं लाए ना? वो दुकान वाले को बोल दिया था ना कि पसंद नहीं है तो बाद में वापस कर देंगे। बोल दिया था। तो इससे पहले कि इसके फूल गिर जाए जाके वापस कर दो, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। और सुनो, जाते जाते मेरे नाम के जरा खूब नारे लगाते हुए जाना। लेकिन हमारे पैसों का क्या होगा? अरे देता हूँ, मरता काय को जाना। सब इंस्पेक्टर साहब, आज हमारे इस होटल में एक ऐसा फनकार मौजूद है जिसने संगीत की दुनिया में अपनी आवाज को आसमान की बुलंदियों तक पहुँचा दिया है। और वही संगीतकार आज इस होटल में आप लोगों को एक गाना सुनाएंगे जिनका नाम है रविशंकर। Hey!
नहीं छूटे रामा चाहे जिया जा वक्त आने का हक चाहिए, इसलिए कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। मुझसे शादी करोगे? क्या सोच रहे हो? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मुझे किसी भी लड़की पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल कागज के फूल भी असली फूलों की तरह बन रहे हैं, इसलिए पता नहीं चलता कि असली फूल कौन सा है। जिसमें कांटा हो वो असली फूल। इस तरह क्या देख रहे हो? ऐसी बातें करना तुमने कहां से सीखा है?
घड़ी ने 2 बजा दिए, जाओ सो जाओ, जो भी बातें करनी है सुबह करेंगे। इस वक्त अगर तुम्हारे डैडी ने देख लिया तो गलत समझेंगे। रविशंकर, तुम दोनों की बातचीत सुन ली है मैंने, सीमा के सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने, सिर्फ प्यार के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया है इस बिना मां के बच्चे ने, इसे नशे की और ड्रग्स की आदत कैसे पड़ गई मुझे मालूम नहीं। अगर इसकी मां होती तो शायद पता लगाती कि जिंदगी में यह पेचीदा गांठ कैसे पड़ गई, क्यों पड़ गई, उसका एक एक तार अलग करके इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझा देती। मैं बाप हूं, मेरे पास सिर्फ दिल है तड़पने के लिए, मुझे जानने से मजबूर हूं। कुछ दिनों से लाउबाली समंदर की तरह मचल रही थी मेरी बेटी, तुम्हारे आने के बाद झील की तरह शांत हो गई। इस दुनिया में अकेले तुम ही वो इंसान हो जो अनजाने दुनिया में से खोई हुई मेरी बेटी को वापस ला सकते हो, उसे वापस इंसान बना सकते हो। बेटे, उसे वापस इंसान बना सकते हो। बेटे मेरी बात मान। हेलो हेलो जी, मान लो मेरी बात। हेलो हेलो, हम मुझे बचा लो, मुझे बचा लो दादा, बचा लो मुझे, बचा लो। नहीं तो क्या चौकीदार कहके बुलाऊंगा? अरे तेरी आंखें फूटे, तेरी इन भेंगी आंखों में दीमक लगे, इंस्पेक्टर को हवलदार कहते हैं? इंस्पेक्टर काय को झूठ बोलती है बहन जी, मर के भगवान को मुंह दिखाना है। अरे लोग तो कहते हैं कि ऐसे आदमी को पुलिस में नौकरी कैसे मिल गई? मेरे मियां का मजाक उड़ाता है, मैं तेरा वो। अरे क्या करती हो? अरे तुम हटो जी, इस भेंगे की तुम्हें आज सारे आम आपके घर में गुंडागर्दी हो रही है हवलदार साहब। हवलदार साहब कहा ना कि ये इंस्पेक्टर साहब का घर है, तेरी आंखों के साथ साथ कान भी फिर गए हैं क्या? सुनो, अगर इंस्पेक्टर नाकेदार, सरपोशदार, सूबेदार, थानेदार की कोई चिट्ठी हो तो दो, वरना मुंह काटा। देखिए बहन जी, मैं भी सरकारी नौकर हूँ और वर्दी में हूँ, आप ऐसे मुझे धक्का नहीं दे सकती। और मैं चिट्ठी नहीं, ये देखिए मनी ऑर्डर लाया हुआ। किसका मनी ऑर्डर है? अरे अटो जी गिर पड़े। मनी ऑर्डर जरूर मेरे चाचा ने भिजवाया होगा, उन्होंने अपनी जायदाद का बंटवारा किया ना, तो अपने पैसे भिजवाएंगे है ना। मगर मनी ऑर्डर तो हवलदार नाकेदार के नाम का है, बोलो चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं, हवलदार के नाम का मनी ऑर्डर तो क्या पूरी दुनिया की दौलत मिल जाए ना तब भी नहीं चाहिए, और इंस्पेक्टर के नाम का घर खाली करने का नोटिस होना तो भी मुझे मंजूर है, समझ गया ना? चल निकल निकल। अरे मगर तू मेरे को मनी ऑर्डर तो लेने दे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं लेने दूंगी, चलो अंदर, मुझे पैसे से ज्यादा इज्जत प्यारी है। मुझे इज्जत से ज्यादा पैसा प्यारा है। अजी चलो बड़े आए, पैसे पैसे पैसे। अब अगर किसी ने हवलदार का शब्द भी मुंह से निकाला ना तो मैं उसका खून पी जाऊंगी। हवलदार नाकेदार, ये कौन चला मेरा जिन चलाने आ गया? और देखती हूँ यहाँ कोई हवलदार नहीं रहता। लपेट कर। क्या लपेट कर? मैं इसको बोल रहा हूँ लपेट कर। ए, 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 ये सर पता तो बराबर है,
फिर ये हवलदार नाकेदार यहाँ कैसे नहीं रहता? अजी पता तो बिल्कुल सही है, पर यहाँ हवलदार नाकेदार नहीं इंस्पेक्टर नाकेदार रहते हैं। इंस्पेक्टर नाकेदार जी। इसको इंस्पेक्टर किसने बनाया? भगवान कसम मैंने नहीं बनाया। अरे मैं पूछता हूँ ये इंस्पेक्टर कब बना? ये नाटक तो काफी दिनों से चल रहा है। मेरा मतलब काफी दिनों से बना हुआ है। अच्छा सुनो सुनो, अंदर जाके कह देना सब इंस्पेक्टर नायक शैतान चौकी पुलिस स्टेशन से आए हैं। शैतान चौकी? अरे वही तो मेरा मियाँ इंस्पेक्टर है। अच्छा मैं उधर सब इंस्पेक्टर हूँ और ये मेरे सामने का हवलदार इंस्पेक्टर बन गया, मतलब वो मेरा अफसर बन गया और मैं उसके नीचे रह गया। तो ये तुम्हारी बदमती है, तुम में वो चालाकी नहीं होगी जो मेरे मियाँ के अंदर है, तुम्हारे अंदर वो बात नहीं होगी जो मेरे मियाँ के अंदर है, इसलिए तुम वहीं के वहीं रह गए और मेरे मियाँ आगे निकल गए। अरे तो इसमें डरते क्यों हो? उन्हें देखकर कुछ सीखो, उन्हें सलाम करो, उनके आगे आगे चलो बॉडीगार्ड बनके। अच्छा मैं इसके आगे आगे बॉडीगार्ड बनके चला कर रहा हूं। इसी में आपकी तरक्की है। ये क्या उछल कूद लगा रखी है? नहीं मैं हालात से मुकाबला करने की हिम्मत पैदा कर रहा हूँ। वो तो ठीक है, पर ये क्या कह रहे हैं? आप जिस पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर हैं, ये वहाँ सब इंस्पेक्टर है, ऐसा है क्या? तो मैं ऐसा घूर के मत देखो, डर लगता है। वो क्या है ना, हम लोगों ने आपस में ड्यूटी बांट ली है। ये दिन की ड्यूटी करते हैं, मैं रात पाली करता हूँ। ये बाहर की करते हैं, मैं अंदर की करता हूँ। ये ऊपर की ड्यूटी करते हैं, मैं नीचे की करता हूँ। ये सुखी की करते हैं, मैं गीले की करता हूँ, है ना सर? खामोश, झूठ बोलता है, अपनी बीवी के सामने झूठ बोलता है। इसे और प्रमोशन मिल सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे साहब ये राशन के लायक नहीं है, इनको प्रमोशन कौन देगा? अरे काहे को इशारे कर रहे हो, हम साहब के सामने झूठ नहीं बोल सकते। अरे जिस तरह इस वक्त आपकी इज्जत उतर रही है, वैसे मेरी वर्दी उतर सकती है। ये निकम्मा नाकारा, ये बेवकूफ कभी इंस्पेक्टर बन सकता है? कल एक औरत रिपोर्ट लिखाने आई थी कि उसका मियां गुम हो गया, और एक आदमी आया था कि उसकी औरत गुम हो गई। ये साहब उनको बोलते हैं कि तुम दोनों आपस में निपट लो, मेरी दो कंप्लेंट कम हो जाएंगी। इसीलिए मैं इसको ये खबर देने आया हूँ कि डीएसपी साहब ने इसको अपने घर पे ड्यूटी के लिए लगाया है। घर पे? हाँ घर पे, साहब के बच्चों को नहलाना, उनके नंगे बच्चों की चीज साफ करना, उनको कपड़े पहनाना, कपड़े पहना के स्कूल पहुंचाना, स्कूल से लौटते हुए तरकारी खरीद के लाना, घर आके पूरे घर में झाड़ू लगाना, साहब की गाड़ी को पोंछना, और साहब थक जाए तो उनके पाँव को दबाना। सारी जिंदगी वही तो करता था मैं। और तुम इसे इंस्पेक्टर समझती थी? तो तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे अरमानों का खून किया, मेरे सपनों को लात मार के तोड़ दिया। सर मुझे डर लग रहा है, पुलिस को बुलाइए। अरे तो ये कौन है? मुझे इस औरत की आंखों में यमराज बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तो सिर्फ आंखों में दिखाई दे रहा है, बाहर निकल के नजदीक आते हुए भी दिखाई देगा। अरे लपेट कर, इसको लपेट कर ले चलो। मैं औरतों को हाथ नहीं लगाता। अरे तो लेडी पुलिस बुलाओ ना। लेडी पुलिस हड़ताल पे है, हड़ताल पे। तो कुछ करो ना यार, हम मजबूर है। अरे यार ऐसा मत करो। चले सर। अरे सर राम राम, अगले मत करो, अकेले कहाँ हो? मैं जो तुम्हारे साथ। सीमा रेड्डी कैसी हो? हेलो डैडी, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। और हमारे दामाद साहब कैसे हैं? अच्छे हैं डैडी, हम कुछ दिन और यहाँ ऊटी में रहना चाहते हैं। देखो बेटी, तुम लोग जितने दिन चाहो ऊटी में रहो, लेकिन आते वक्त मेरे लिए एक तोहफा जरूर लाना। क्या चाहिए आपको डैडी? तुम आते वक्त एक नन्नी मुन्नी गुड़िया के साथ आना, और सुनो चुपके से ये बात हमारे दामाद साहब के कान पर भी डाल देना। अरे कान में क्या है, मैंने सब कुछ सुन लिया है। कौन सा महीना है? ए, ये कौन सा महीना रे? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। कह दो सारी दुनिया से, कर दो टेलीफोन, कर दो टेलीफोन, कम से कम एक साल चलेगा, कम से कम एक साल चलेगा, कम से कम एक साल चलेगा, कम से कम एक साल चलेगा। अपना 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 सारी दुनिया से, कर दो टेलीफोन, टेलीफोन, कर दो टेलीफोन, टेलीफोन, कम से कम एक साल चलेगा, हाँ कम से कम एक साल चलेगा। अपना 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 हनीमून, हनीमून, कह दो सारी दुनिया से, कह दो सारी दुनिया से।
तब तक दिल ना भर जाए, घर वापस ना जाएंगे, हम ना होने देंगे अपने, हम ना होने देंगे अपने अरमानों का, हनीमून कह दो सारी दुनिया से, कह दो सारी दुनिया से, कह दो कर दो टेलीफोन, कर दो टेलीफोन, कम से कम एक साल चलेगा, कम से कम एक साल चलेगा, अपना 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 हनीमून हनीमून, कह दो सारी दुनिया से, कह दो सारी दुनिया से। मुबारक हो, आपको लड़की हुई है। मुबारक हो, लेकिन कहाँ है मेरे दिल का सुरूर, आंखों का नूर, मैं भी तो उसे एक बार देखूं। ये लीजिए। ओ, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा, तुमने मुझे जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है। डॉक्टर साहिबा जी, कहिए। आपने मेरी पत्नी और बेटी को नई जिंदगी देकर बहुत बड़ा उपकार किया है, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। ये फूल आपकी खिदमत में लाया हूं, इन्हें स्वीकार कर लें। जी, मेरे हाथों पर साबुन लगा हुआ है, आप उन्हें वही टेबल पर रख दीजिए। जी बहुत अच्छा। पुलिस का रोल कौन कर रहा है भाई? वो पुलिस किधर है? वो पुलिस का रोल कौन कर रहा है? धक्का काहे को मार रहा है तू मेरे को? डायरेक्टर कब से चिल्ला रहा है? हाँ, पुलिस का रोल मैं कर रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, तू एक काम कर लो, सीन सुन लो। हाँ, क्या है सीन? हीरो हीरोइन गार्डन में इश्क कर रहे हैं। हाँ। क्या कर रहे हैं वो? क्या कहते हैं वो, चुम्मा चाटी कर रहे हैं। हाँ बहुत अच्छे, ऐसा ही करना। हाँ अजय,
तुम्हारे साथ इश्क किया है। अगर तुम्हारे इश्क में मेरी जिंदगी भी चली जाए तो मुझे परवाह नहीं। तुम्हारा वो मैनेजर अपन का पैसा नकली नहीं करता। पैसा काहे का पैसा? अरे एक्टिंग का पैसा। अरे यहाँ तो सिर्फ हीरो हीरोइन को पैसा मिलता है और बाकी के लोगों को कभी कभी भजिया पाव और चाय दे देते हैं, पैसा नहीं देते। पैसा नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? अरे नहीं मिलेगा। फिर सोच, नहीं मिलेगा बोल दिया ना, नहीं मिलेगा। ठीक करेगा और ऐसा एक्टिंग करेगा सेठ कि पब्लिक लोग ताली नहीं मारेगा, कुछ और मारेगा। जी साहब, पुलिस कहाँ गया जो ड्रेस पहन के खड़ा था? अभी तो इधर था। जाओ ढूंढो पब्लिक की नारी। अरे अभी तो इधर था। और कंपनी का ड्रेस भी लेकर चला गया। पैसा सिर्फ हीरो हीरोइन को मिलता है, कैरेक्टर एक्टर को भजिया पाओ वो भी मत दो। अब ढूंढ रहेंगे मुझे माँ के दीने। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। ये शमशान का रास्ता किधर है? ये वहाँ कहाँ जा रहे हैं? राम नाम सत्य है। मरने वाला तो प्रलोक से भी आगे चला गया होगा। तुम भाग कर कहाँ जा रहे हो? अरे रुको। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पुलिस का रोल यहाँ करना पड़ेगा। अरे रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, गिर जाएगा मूर्ता कमीनों, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे रुक जाओ। वही हुआ ना सालो, बेचारे मुर्दे को फेंक कर भाग गए। बेचारे ने जिंदगी भर दुख उठाए होंगे मरकर। पुतला है? अरे ये क्या? बिस्किट, सोने के बिस्किट। तो सोने के बिस्किट। माल हाथ लग गया इसको संभाल। ये क्या, इनको भी अभी आना था। चोर भाग गए, मोर आ गए, अब ये बांटेंगे माल आपस में। क्या बात है हवलदार? हवलदार और साहब जी बिस्किट, बिस्किट निकल रहे हैं, गर्मा गर्म बिस्किट। कहाँ निकल रहे हैं? यहाँ साहब जी, देखो साहब जी, ये देखो भट्टी में से निकल रहे हैं। वेल डन। मैं चलूं साहब? एक मिनट, तुम्हारे इस कारनामे की हम तारीफ करते हैं हवलदार। ठीक है साहब जी, कहीं अंदर तो नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, तुमने तो हमारे डिपार्टमेंट का सर ऊंचा कर दिया। अच्छा जी, हाथ हटाओ। 430 हवलदार। हेडक्वार्टर्स, मैं कमिश्नर अरुण कुमार बोल रहा हूं। हवलदार 430 को प्रमोशन देकर सब इंस्पेक्टर बना दो। क्या मुझसे कोई गलती हुई क्या? अरे गलती तुमसे नहीं, हमसे हुई है। जो तुम्हें आज तक पहचाना नहीं, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। छुपा रुस्तम मैं? और नहीं तो कौन? अरे नाकेदार जी, तुमने तो सारी पुलिस को हिला हिला के रख दिया। नहीं, तुम्हारी हरकतें देखकर यकीन नहीं होता कि तुम कोई अकलमंदी का काम कर सकते हो। मगर अभी अभी कमिश्नर साहब का फोन आया था, उन्होंने बताया हवलदार 430 को प्रमोशन देकर सब इंस्पेक्टर बना दिया जाए। क्या सर? मैं सब इंस्पेक्टर? हाँ। सर मैंने है ना मन्नत मानी थी कि मैं अगर सब इंस्पेक्टर बन गया तो मैं साईं बाबा के मंदिर तक 10 मील तक नाक रगड़ते रगड़ते जाऊंगा। लगता है मेरी वो मन्नत पूरी हो गई। मुबारक हो, 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 मुबारक हो। ये क्या चक्कर है यार? अरे ये क्या फायर ब्रिगेड चलाने वाला मस्टर लेके आ गया क्या? अरे तेरे को बोर्ड नजर नहीं आता? वो साइलेंस जोन लिखा और तू हॉर्न से हाथ नहीं उठा रहा, पाँव 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 किए जा रहा है। कौन है ये पीछे उंगली अंगूठा क्या कर रहा है? अंदर डीआईजी साहब बैठे हैं। डीआईजी बैठे या खड़े हूँ, कायदा कानून सबके लिए है, अगर जनता के लिए तो पुलिस वालों के लिए भी है। और तुमने कानून तोड़ा, तू बाहर निकल, लगा गाड़ी उधर सारा। मैं कहता हूँ हेडक्वार्टर इंस्पेक्टर जनरल हियर, 430 को फौरन इसी वक्त डिसमिस कर दो। ये लो, इसी खुशी में तुम लोग मुंह मीठा करो। ये लो। ये बात हुई,
अरे नाटेदार, पहले अपनी वर्दी तो कलेक्ट कर लो। वर्दी ले लेंगे, पहले लड्डू खाओ सर। बड़े लोग सब ऐसे ही बनते हैं। हेलो, वेरी गुड। क्या लड्डू है, कहाँ से मारा? लगड़कर, मैं अब हवलदार नहीं हूँ, सब इंस्पेक्टर हूँ। मजा किया तो डिसमिस कर दूंगा। लड्डू उठाओ। यस सर। फोन उठाओ। फोन उठाया। हेलो, लपेट कर, कहाँ चोरी हुई है? सॉरी सर, माफ करना साहब। क्या बात कर रहे हैं जी? मुंह निकल गया, मेरा मतलब मुंह से निकल गया। सॉरी सर, अभी बुलाया साहब, अभी बुलाया। नायक साहब, आपके पिताजी, मेरा मतलब डीआईजी साहब। डीआईजी, डीआईजी, एक मिनट। डीआईजी साहब, गुड मॉर्निंग सर। क्या? यस सर। जी सर। ओके सर, फॉरन सर, डिसमिस। ओके सर, ओके, राइट सर। आपको डिसमिस कर दिया? मुझे नहीं, मुंह पहले खुला, आवाज बाद में। डिसमिस हो गया ना, ये तो गया। क्यों नायक? ए नायक मत बोल। क्यों? अभी डीआईजी साहब ने फोन करके बताया कि तुम्हें फौरन डिसमिस कर दिया जाए। इसमें मतलब अपन जिससे स्क्रू टाइट करते वो वाला? अरे नहीं रे बेवकूफ। ए बेवकूफ किसको बोलता है, मैं भी सब इंस्पेक्टर हूँ मालूम। जी नहीं, तुम सब इंस्पेक्टर सिर्फ 2 घंटे के लिए थे, अब नहीं रहे। क्या? जी हाँ, डीआईजी साहब का फोन था कि तुम्हें इस ओहदे से फौरन डिसमिस कर दिया जाए। लेकिन क्यों, मेरा कसूर क्या है? वो उनसे जाके पूछो। नहीं, मैं तुमसे पूछूंगा। तुमने आकर मेरे को खुशखबरी दी थी कि वो स्मगलर जिसको मैंने देखा तक नहीं, उसको अपनी चालाकी से पकड़ा। वो चालाकी जो मैंने की तक नहीं, अब तुम अपनी चालाकी देखा रहे हो। ये चालाकी नहीं चलने वाली। मैं क्या कोई जूता हूँ जिसने जब चाह पहन लिया जब चाह उतार दिया? ये भी उनसे पूछो। तुम सब कुछ कर सकते हो? अरे वाह, एक तो जहर खाने को पैसा नहीं था, कड़की थी। मैं किधर से भीख मांगे, ये खुजली मल हलवाई के पास से घासलेट वाले लड्डू लेकर आया। नहीं नहीं, असली घी के लड्डू ला। मैं लड्डू वापस करो, ये मेरा लड्डू लाओ। नाकेदार, ये क्या कर रहे हो तुम? ये मेरा लड्डू काका, मुंह से निकाल रहा हूं। सुनो, समझने की कोशिश करो। इधर आओ, इधर आओ। लूंगा बाद में। मुझे भी लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है तुम डीआईजी साहब के पास जाकर खुद ही पूछ लो कि असलियत क्या है। साहब, ये डीआईजी साहब को ऑफिस किधर है? एक बात, आपको साहब ने डिसमिस क्यों किया? रोना नहीं। क्या बोलूं डीआईजी साहब को जाके? अरे उसका पता ठिकाना तो लिया होता। 430 मिल गया। बहुत दिनों के बाद पकड़ में आया है। अबे तेरे को मालूम है मैं कौन हूँ? मैं तुझे अच्छी तरीके से जानता हूँ, और ये 430 नंबर इसे भी अच्छी तरीके से जानता हूँ। चल उतार। तेरा दिमाग खराब है क्या? अबे मत सता, एक तो मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, जमाने का सताया हुआ, पुलिस वालों का हिलाया हुआ हूँ। छोड़ना यार। अरे इसीलिए मेरे नाटक कंपनी का ड्रेस अपने चाचा का माल समझ कर लेकर भाग गया। नाटक कंपनी वाला? हाँ, मैं भतीजा ड्रेस वाला हूँ। तभी इतना फटा हुआ है। तो मेरे का को फट रहा है यार तू? अबे जब, अरे तुझे नाटक कंपनी वालों ने पैसे नहीं दिए तो तू मेरी ड्रेस लेकर भाग गया। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? चलो उतार इसके पैर। अरे छोड़ो यार, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बहन नहीं है? मतलब तुम्हारा बाप भाई नहीं है? अरे यार, अरे मेरा बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, पुलिस, पुलिस, पुलिस तो मैं खुद हूँ यार। अरे मेरे को कौन बचाएगा? अरे पुलिस मुसीबत में आएगी तो कौन बचाएगा? अरे यार मेरी वर्दी मत उतार, ये फटीचर की वर्दी है। नहीं, ये गवर्नमेंट की वर्दी है। अरे बचाओ, अरे क्या करता है? अरे पहले बचाओ। अरे हेलकार, अरे क्या करता है? काली बनियान में घर कैसे जाऊंगा यार? हाँ, ये थैली चलेगी। अरे वारे भगवान, पूरे कर लिए अपने अरमान। क्या क्या तब्दीलियां लाएगा मेरी जिंदगी में? पहले हवलदार, हवलदार से इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर से बिना कपड़ों का कैरेक्टर, बीच चौराहे पे नंगा कर दिया, अब बिना पतलून के इस झोले में लटक के मैं घर तक जाऊं? ठीक, तू बता तो जाऊंगा, जाऊं। अरे बाबूजी, आपने अभी तक खाना नहीं खाया, 11 बज चुके हैं। भाई तुम्हारी नहीं, मेरी घड़ी भी 11 बजा रही है, लेकिन सीमा ने खाने को मना कर दिया है। क्यों भाई, क्यों मना किया? इसे अपनी बच्ची के लिए एन लेटर से शुरू होने वाला नाम चाहिए। मैंने तकरीबन 100 नाम बताए, उनमें से एक भी इसे पसंद नहीं।
अब बच्चे के बाप की हैसियत से तुम्हें कम से कम 500 नाम गिनवाने पड़ेंगे। अब अरे बाप रे, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। डैडी, एक बहुत अच्छा नाम मिल गया है। क्या है नाम? सुनेंगे तो फड़क उठेंगे। तो फिर बताओ जल्दी। नैना। फैंटास्टिक, एक्सीलेंट। रवि, अगर तुम हाँ कर दो तो मैं एक शानदार पार्टी का इंतजाम करता हूँ। कल शाम नामकरण संस्कार होगा। नैना नाम हर चीज पर छा जाएगा। अरे इस नाम से पार्टी तो क्या सारा आकाश गूंज उठेगा। नैना, ग्रेट ग्रेट। क्या बात है, आप एकदम खामोश हो गए। आपको यह नाम पसंद नहीं? तुम्हें अच्छा लगता है तो यह नाम रख लो, लेकिन मैं अपनी बेटी को टॉली के नाम से पुकारूंगा। अरे 7 बज गए, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। मैं आपका इंतजार कर रही थी। अब बताइए, इन तीनों में से कौन सा ड्रेस अच्छा है? इससे पहले मैं अपनी मर्जी के ड्रेस पहनती थी ताकि दुनिया के सामने खूबसूरत लगूं, मगर अब मैं आपकी मर्जी के ड्रेस पहनूंगी ताकि आपकी आंखों को खूबसूरत लगूं। अच्छा तो सुनो, ये हरा रंग बहुत गहरा है, ये पहनूंगी ना तुम्हें तो बुढ़िया नजर आएगी। नहीं नहीं नहीं, ओ माय गॉड। लेकिन ये लाल और सफेद रंग का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है। ये लाल रंग की शाल पहनोगी ना तो तुम एकदम भद्रकाली नजर आओगी। नहीं नहीं, वैसे ये लाल रंग मुजरिमों का मनपसंद रंग है, तशद्दुद और हिंसा की अलामत है, इसलिए सबसे अच्छा यह है ये मत पहनो, पीला रंग पहनो। यू विल लुक ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट। मैं भी पहनती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओके। जी, बच्चे के नामकरण के लिए जा रही हो? हेलो हेलो सीमा। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। आपने जो ड्रेस सिलेक्ट किया वो मुझे पसंद नहीं, मैं दूसरा ड्रेस पहन के आऊंगी। आप लोग होटल चलिए, मैं बाद में आती हूँ। हाँ रवि, हम पैदल चलते हैं क्योंकि वहाँ हमारे मेहमान हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जी सीमा, जल्दी आना। चल। लाल जी। शायद इंस्टॉलमेंट देने आई हो। हाँ, आखिरी इंस्टॉलमेंट देने आई हूँ लाल जी। इस रिवॉल्वर की गोलियों से तेरे सारे कर्जे चुका दूंगी। तेरी वजह से मेरी जिंदगी एक नर्क, एक दहशत बन गई। मैं एक बाप की बेटी ना बन सकी, एक पति की पत्नी ना बन सकी, एक बच्चे की मां ना बन सकी। मेरा पति इतना अच्छा इंसान है कि उसने कभी कोई सवाल नहीं पूछा, मगर मैं जानती हूं कि वो कितने जवाबों का हकदार है। लेकिन आज इस रिवॉल्वर की गोलियां तेरे सीने में उतार कर सारे सवालों का जवाब हमेशा के लिए दे दूंगी। रवि, इतने दिनों तक तुमने जो भी कहा मैंने सुना, मगर आज मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। जानते हो क्यों? क्योंकि इन दिनों में चारों तरफ दहकते हुए शोले थे, हर कदम पर धुआं उठ रहा था और उस धुएं से मेरा दम घुट रहा था। मगर आज मैंने एक फैसला किया कि उस दहकते हुए शोले को कुचल कर दबा दूं या उसमें कूद कर अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं, और मैंने वही किया। रवि, एक बार अपनी बच्ची को देखना चाहती हूं। भगवान तुझे
लंबी उम्र दे मेरी बच्ची। सीमा, 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 सीमा। रवि, कितनी बार मैंने चाहा कि तुम्हें सच्चाई बता दूं, मगर नहीं बता सकी। लेकिन आज सच जान लेना, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। गुरु, क्या बात? बहुत गहरी सोच रहा? वो जो लाल ड्रेस पहन कर लड़की बैठी है, उसके बारे में सोच रहा। उसका बाप मिस्टर सानियल करोड़ों की जायदाद का मालिक है, क्यों ना उसकी जायदाद में थोड़ी सी आग लगाकर हम भी अपने हाथ सेक लें। ये ग्लास सिर्फ उस लाल परी को देना। मैडम, थैंक यू, वेलकम। फिर क्या हुआ? बेहोश हो गई। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, इनको आराम की जरूरत है। आप लोग पिकनिक एंजॉय कीजिए, चलिए हवा आने दीजिए, एंजॉय द पिकनिक, कम ऑन। हेलो हेलो जी, पैसा लाओ लाओ जी, पैसा जल्दी लाओ। हेलो, ठहरो, ये लो। अभी दोबारा मत आना प्लीज। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी, हेलो 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 जी, हेलो हेलो मेरी लाचारी और बेबसी का फायदा उठाकर लालजी मुझे ब्लैकमेल करता रहा।
मर गया साला। चलो अभी। बाबूजी, 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 रवि, बेटी, जिस दिन तुम्हारी मां ने तुम्हारा नाम नैना रखा था उसी दिन मुझे मालूम था कि तुम मुझसे जुदा हो जाओगी। आज से मेरा और इंसानियत का सारा रिश्ता खत्म हो चुका है। वक्त ने बहुत बड़ी गलती की है। इतिहास कई मुजरिमों को भूल गया है, लेकिन मैं एक नया इतिहास लिखूंगा। अंजाम देने मैं आया था उसे तुमने पूरा कर दिया। ये हरामजादा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। आज कसम खाकर आया था कि इस कमीने को मौत के घाट उतार दूंगा। यहां कर देखा कि तुमने तो मेरी मुश्किलें आसान कर दी। दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। मगर तुम हो कौन? शायद तुम अखबार नहीं पढ़ते। राजपाल और उसके गिरोह के कारनामों के बगैर हिंदुस्तान का कोई अखबार नहीं छपता। तो तुम इस गिरोह के लीडर राजपाल हो? हां। चलो मेरे साथ मेरे हेडक्वार्टर। पुलिस तुम तक कभी नहीं पहुंचेगी। लेकिन मैं तो अपने आप को पुलिस के हवाले करने जा रहा था। उसके बाद क्या होगा? पुलिस तुम्हें मेडल देगी या सरकार तुम्हें किसी स्टेट का गवर्नर बना देगी? बेवकूफ मत बनो। अगर हाथ में लाल स्याही भी लग जाए तो पुलिस उसे अपराधी मान लेती है। और फिर तुम्हारे हाथों में तो कई लोगों का खून लगा हुआ है। अगर फांसी से बच भी गए तो सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहोगे। इसीलिए कहता हूं कि मेरे साथ आओ। आओ। Thank you.
तुम्हें दिल का खेल है, दिल पे किसका जोर है, तेरा रास्ता और है, मेरी मंजिल और है, ये पंछी ना आएगा, ना आएगा, ना ना आएगा, तेरे हुस्न के जाल में सबसे पहला ये काम किया मैंने होश आ गया था ना रवि को होश आ गया कमीने धोखेबाज तूने मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे की रवि रवि शाखा को झूठा इल्जाम मत दो झूठा इल्जाम रवि मैं जानता हूँ तुम्हारा गुस्सा जायज है बिल्कुल जायज है तुम्हारी जगह मैं भी होता तो शायद गुस्से से पागल हो जाता लेकिन एक बात सुन लो मैंने नैना को हमेशा अपनी बहन समझा है बहन इतनी बड़ी गाली अपने आप को मत दे शका बहन को बीवी बीवी को बहन तू जैसा नीच आदमी इस दुनिया में कोई नहीं होता काश मैं उस वक्त तुम्हें सब समझा सकता मैं बेबस था वो शादी वो पंडाल पुलिस के साथ मिलकर एक साजिश थी राजपाल ग्रुप को गिरफ्तार करने के लिए हाँ रवि तुम्हारी नैना तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती तुम्हारे अपने नैनों ने तुम्हें धोखा दिया है तुम्हारी तलाश में मैं कहाँ कहाँ नहीं भटकी पर तुम नहीं मिले और जब मिले तो बहुत देर हो चुकी थी नहीं रवि तुम्हारे चरणों की सौगंध भगवान की सौगंध मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ रवि मैंने हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह समझा है मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा कभी धोखा नहीं दूंगा ओह माय गॉड ये मैंने क्या किया रोशन जिंदगी को छोड़कर अंधेरों को अपना लिया अरे पगले सूरज की रोशनी हर अंधेरे को खत्म कर देगी तेरा तो नाम ही रवि है रे डोंट मूव अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा आपको याद है आपने कहा था कि आपको रामायण बहुत पसंद है हाँ याद है तो फिर ये भी मत भूलिएगा कि हर इंसान के दिल में राम और रावण दोनों मौजूद हैं हाँ मालूम है लेकिन रावण की मौत निश्चित है हाँ अगर राम वाकई राम है तो वापस जरूर आए मैं कभी नहीं बैठूंगा क्या हो गया तुम्हें मैं कहता हूं गाड़ी में बैठो ये क्या हरकत है अब मैं तुम जैसे कानून के दुश्मनों का साथ हरगिज नहीं दूंगा अगर मैं कानून का दुश्मन हूं तो तुम क्या हो कानून के दोस्त मेरे आदमियों ने जान पे खेलकर तुम्हें पुलिस की गिरफ्त से बचाया और तुम कहते हो कि तुम हमारा साथ नहीं दोगे अगर तुम्हारी जान बचाने के लिए हम अपनी जान पर खेल सकते हैं तो अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी जान ले भी सकते हैं खींच लो इसके जिस्म से सच्चाई की आत्मा तू
तुम? मुझे जिंदा देखकर ताज्जुब हुआ ना, लेकिन मेरी मौत तुम्हारी नजर का धोखा थी। मैंने अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था, इसलिए बच गया। मौत तो हम तुम्हें देंगे, लेकिन तुम्हारी मुर्दा ख्वाहिशों को जिंदा करने के बाद। इधर देखो, इसने तुझे दिल से पति माना है और आज ये अपने पतिव्रता होने का सबूत देगी। वफादार कंधे इसका बोझ उठा सकेंगे, तब तक इसकी जिंदगी का कांटा घूमता रहेगा और जहां तेरे कदम ढगमगाए तेरे प्यार की डोर टूट जाएगी। नहीं, हमने तेरी जिंदगी का प्यार तेरे हवाले कर दिया। इसे मार कर इसके खून का इल्जाम हम अपने सर नहीं लेना चाहते। तेरे कांधों पर तेरे प्रेमी की जिंदगी का बोझा है और हम इस जिंदगी और मौत का अनोखा तमाशा जरूर देखेंगे। अगर तेरा कोई मददगार है तो ले उसका नाम। मेरा नाम शाका है कुत्तो और दूसरा नाम मौत। ये कुत्ता शका मेरे दोस्त। शका रवि, ये कुत्ता बचना नहीं चाहिए। ये बावला कुत्ता बच गया तो दुनिया में बर्बादी तबाही फैलाएगा। इसे खत्म कर देना रवि। शका मैं तुम्हारी कसम, मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हारी जान बचाना जरूरी है। शका नहीं रे, अब नहीं रे, अब तो पैगाम आ गया। नहीं, अब तो जाना होगा। नहीं शका, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ,
जब तक तुम्हारा कर्ज पूरा नहीं होता तुम जा नहीं सकते। कौन सा कर्ज रे? तू तो मेरा दोस्त है, भाई है, मेरा अजीज है। रो मत पगली, रो मत। सुन, अगर अगर तुम समझते हो कोई कर्ज पूरा करना है, शका तुम दोनों, शका तुम दोनों, बोल शका, तुम दोनों रविशंकर अपने आप को हमारे हवाले कर। नहीं कमिश्नर साहब, मैंने अपने दोस्त से जो वादा किया है उसे पूरा करने दीजिए। जब तक लालजी जिंदा रहेगा दहशत की चिंगारियां मासूम और बेगुनाहों को चलाती रहेगी और यह खेल उसकी मौत के साथ ही खत्म होगा। उसके बाद मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त गिरफ्तार करूंगा। नहीं कमिश्नर साहब, आप रवि को नहीं रोक सकते। जुर्म था। आज अगर तुझे मौत भी छोड़ दे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हेलो हेलो जी मोना। रवि, जिस तरह तुम्हारी मजबूरी तुम्हें इस पाप की दुनिया में लाई थी उसी तरह मुझे मेरी मजबूरी मेरे हालात यहाँ लाए थे।
नहीं, हम लोग तुम तक पहुंचने के लिए हमें राजपाल के गिरोह में शामिल होना पड़ा। भाई तुम्हारी जिंदगी का मकसद था वो पूरा हो गया। इस मासूम की जान चली गई, इसकी कुर्बानी की कदर करो। अपने बड़े भाई का कहना मानो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। राजपाल और उसका गिरोह एक मुद्दत से इस देश की शांति के लिए खतरा बना हुआ था। रवि ने उनसे जंग करके उस गिरोह को उसके अड्डों के समेत तबाह कर दिया और अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। इसलिए कानून ने रवि की इस वतन परस्ती का लिहाज रखते हुए उसे एक इज्जतदार शहरी की जिंदगी गुजारने की इजाजत दी है। और इस खुशी के मौके पर सरकार हवलदार नाकेदार को इंस्पेक्टर का प्रमोशन देती है। नाकेदार जी उठ जाइए, क्या कर रहे हैं, आपका प्रमोशन हुआ। अरे खड़े हो जाइए, देश को आप पर गर्व है और आप फिर रहे, खड़े रहिए। और उनके असिस्टेंट हवलदार लपेटकर को सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन देते हैं। पिताजी, अबे कौन पिताजी? पता नहीं ये सब अचानक कैसे हो गया। मेरा तो सही हुआ, तेरा गलत हुआ है। अच्छा आए? सीधा खड़ा रहे, मैं इंस्पेक्टर हूँ। मिस नैना, नैना तुम्हारे प्यार को सही सलामत रखने का जो वादा मैंने किया था तभी आज पूरा कर रहा हूं। थैंक यू। बेस्ट ऑफ मुबारक हो। शुक्रिया। रवि शंकर, रवि शंकर ही।